डिलीवरी करके वापस से आ गया। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। Drop it. What? Hold up. Everyone, welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. So if you guys haven't seen my last vlog, so मैंने आप लोगों को बताया था that my mom will be going through a surgery. So आज का दिन उसमें सब कुछ बताया कि when she's going to get admitted, उनका operation कब है वो सारा. So आज का दिन है when she's going to be admitted. We are on our way to Aga Khan and I am joined here with Bhavi as usual and the patient mama. क्यूट पाँच रो वाले पाँच रो मैं एक डबल कैमरा ना इट्स क्यूट अम्मी फुल अपनी तैयारी करके जा रही है अम्मी ने अपने सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी पैक करवाई हैं मुझसे कि बिल्कुल भी बोर ना हो एंड लगता है ये मतलब पहले मैं पेशेंट देख रही हूँ कि जो हॉस्पिटल जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड है इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इस पॉजिटिव होप के साथ अम्मी जा रही हैं क्यूट लग रही है अपना चश्मा वगैरह सब पहन ली है अम्मी ने अपना वो रॉड भी रख दिया है दैट मोबाइल होल्डर के जब वो घर पे होती थी वो होल्डर लगा के अपना ना आराम से हैंड फ्री करके अपना ड्रामास देखती थी वो भी लेके जा रही है टाइम मिलेगा आपको अपना देखने का ड्रामास देखूंगी वहाँ पे वाईफाई नहीं है तो मुझसे इंटरनेट पैकेजेस भी करवाना है ड्रामे सिर्फ फ्री वाईफाई है कितना कनेक्ट होता है मेरा तो कभी कनेक्ट नहीं होता स्टिल उन्होंने मुझसे पैकेज करवाया तो सिर्फ थोड़ी के हम मैं उस पे ड्रामे देखती हूं बहुत सी चीजें दुआएं वगैरह है ना ऑल बहुत सी चीजें और भी बहुत सारी हो सकती है चीजें समी आप कैसा फील कर रही हैं प्लीज अपनी नॉर्मल नॉर्मल अच्छा बताएं मम्मी आर यू नर्वस आर यू एक्साइटेड मतलब आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं इस वक्त इंशाल्लाह ज्यादा कामयाब हो गया हूं इसलिए अल्लाह से दुआ तो पॉजिटिव थॉट है ना हाँ पॉजिटिव थॉट के साथ जा रही हूँ अपने हेडफोन्स उठा लिया आपने अपना चार्ज उठा लिया सब नहीं चार्जर नहीं उठा होगा तो मैं आपको भगाऊंगी से हाय हाय एंड बाय अच्छा मुझसे मोस्टली लोग उस पर कॉमेंट करते हैं कि गाड़ी कौन चला अम्मी की सर्जरी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जल्दी से जाएं और जल्दी से ठीक होकर आ जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सो इनकी सर्जरी बेसिकली है कल एंड आई हैव नो आइडिया अगर मुझे ये लोग अलाउ करेंगे रहने के लिए आई डोंट नो अलाउड होगा मैं कोई काम का बंदा रहे ना अलाउड फोन में लगी रहेगी बेचारी मॉम बुलाती रहेगी जी या वो घर का होता है ना घर में बहुत सारे अम्मी आधा घंटा गुजर जाए पता चला नहीं पता चला हाँ क्या पता चला मैंने कहा कि पता चला जो जिस टांग के पुष्ट वही इसरा उठा के नहीं उस वक्त तो अगर मुझे अलाउ कर दिया रहने के लिए तो मैं एक अटेंडेंट होंगी तो ऑब्वियसली अम्मी को देखना पड़ेगा मुझे बट आई डोंट थिंक सो मुझे अलाउ करेंगे ऐसे मुरव्वत में बोला होता मुरव्वत क्या होता है फॉर्मेलिटी उन्होंने बहुत दिल से बोला था मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी हिफ्जा की सास अम्मी बहुत एक्साइटेड है अम्मी का बस नहीं चल रहा मतलब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अम्मी बहुत पॉजिटिव है बात है कि पॉजिटिव हो के जा रही है टेंशन लेके नहीं जा रही बिल्कुल टेंशन नहीं है इट्स ऑल पॉजिटिव शी इज सो पम्प्ड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अल्लाह आपको सेहतियाब करके बाहर निकाले आमीन और लोग वैसे मेरे जब भी जो व्लॉग अपलोड हुआ है उसमें लोग आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं शुक्रिया सबका दुआएं हाँ बिल्कुल आप लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया उन्हीं की ज़रूरत है दुआएं कीजिएगा बहुत सारी और जल्दी जल्दी से मॉम ठीक हो के घर आ जाए वापस आ जाए वापस आ दौड़ती दौड़ती आ जाए दौड़ती दौड़ती यसरा जानू जानू इज विल्दान 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 को हम बाय द वे घर छोड़ कर आए हां विल्दान हमारे साथ नहीं है हमारा मास्क हमारे पास है सैनिटाइजर्स हमारे पास है वी आर ऑल रेडी वो रही फाइल
वो भी दिखानी जरूरी थी। वही सब सामान लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम चले ही जाते हैं, पता नहीं। तो गाइज हम लोग आगा खान पहुंच गए हैं। हम लोग बिल्कुल आगे ही हैं जो हम लोग को जाना है, बट यहाँ पे ना विजिटर्स को ऑब्वियसली सीन होता है, ज्यादा लोग अलाउ नहीं करते। बुला रहे हैं, चलिए। ओके गाइज, तो हम लोग आगा खान में एंटर हो चुके हैं। जो गाइज कैन सी, अभी हम लोग जा रहे हैं एडमिशन एरिया में, डिपार्टमेंट जहाँ एडमिशन होते हैं, मम्मी का एडमिशन करवाने। सो हम लोग अब जा रहे हैं उधर। वो रहा एडमिशन डिपार्टमेंट, तो हैं यहाँ पे। तो गाइस मेहरान गया है एडमिशन करवाने, अम्मी का नंबर वगैरह रजिस्टर करवाने। एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। ओके गाइस, सो वी आर नॉट श्योर आगे क्या होगा, बट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड ये है कि नॉट एक्सपेक्टेड बट वी थिंक कि मेहरान का ये सारा काम हो जाने के बाद या एडमिशन हो जाने के बाद अम्मी को एडमिट कर दिया जाएगा। एंड अम्मी के थ्रू आउट पूरी रात में चेकअप चलते रहेंगे, टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहेंगे। फर्दर तो हमें बाद में पता चलेगा, ये थोड़ा बहुत हम लोग को पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ओके गाइस, क्योंकि आप सबको पता है अंदर हॉस्पिटल का डिसिप्लिन होता है और हम लोग ब्लॉक कर रहे थे, ऑब्वियसली एक अंदर डिसिप्लिन होता है, हम लोग ब्लॉक कर रहे थे। तो मेहरान ने हमें डायरेक्टली बोला कि आप बाहर चलते हैं क्योंकि हम ब्लॉक कर रहे थे। बाय बाय मम्मी। अम्मी और मेहरान चले गए। सो गाइज, अम्मी और मेहरान लोग ऊपर जा गए, चले गए हैं, हमें जाने नहीं दिया। हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाते हैं। हाँ, यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। हमारे पास एक बैग का डिस्टेंस है। तो मैं कह रही थी, सॉरी मैं बात करके फॉर मास्क पहनूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि अम्मी लोग चले गए ऊपर। बस एक बात का दुख है कि अम्मी को जाते वक्त मैं प्रॉपर हम लोग अलाफिस नहीं कर पाए, हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए, हम लोग ऊपर नहीं जाने दिया। रास्ते में आते वक्त हम पॉजिटिव थे, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, बट अभी थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं अम्मी के पास ऊपर नहीं जा पाई। बट इंशाल्लाह होपफुली वो जल्दी से ठीक हो के आ जाए और हम लोग जाएँ। लेकिन ये भी एक सुकून है कि एटलीस्ट उन्होंने एक किसी बंदे को जाने दिया और मेहरान इंशाल्लाह सब कुछ ठीक से कर रहे होंगे। और ऐसा वो बैड सीन हो जाता अगर ये लोग किसी को ना जाने देते, तो वो हम लोग को ज़्यादा होती। अब इसलिए हम लोग रिलैक्स हैं कि चलो मेहरान तो एटलीस्ट साथ है। अब कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल ना पाकिस्तान में, तो इस वजह से सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। ये तो हॉस्पिटल जैसी जगह है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं सब। एक होप भी दी शायद जाने दे दें, तो जब रोका तो तब तो बड़ी हंसी आई कि हमें पता था रोक दिया, बट यहाँ पे आके बैठे तो बहुत एकदम से रियलाइज़ हुआ मुझे कि अब पता नहीं मैं मम्मी से कब मिलूँ। मतलब इंशाल्लाह आफ्टर ऑपरेशन में भी या ऑपरेशन से पहले एक बार, आई डोंट नो। रूम में शिफ्ट होंगी तो उसके बाद हम लोग जरूर मॉम से मिलेंगे।
अम्मी आप सही होके जल्दी से आ जाए। हम लोग आपका नीचे वेट कर रहे हैं। हमारे कि हमने किस तरह से नीचे वेट किया। हम यहाँ पे बैठे हुए और अभी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लिटरली कोई आइडिया नहीं है कितना टाइम यहाँ पे बैठना है। कैंटीन भी ऊपर है, कैंटीन बुरी बुरा सीन ही हो गया कि कैंटीन भी इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, वरना एक नीचे होती थी कैंटीन वहाँ पे चले जाते थे हम लोग, बट कैंटीन भी ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ऊपर वो जाने नहीं दे रहे। बस गाइस अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, भरपूर दुआओं में याद रखें। बाय द टाइम यू गाइस विल वॉच दिस व्लॉग इंशाल्लाह अम्मी का ऑपरेशन हो चुका होगा, मे बी कि कल ऑपरेशन है उनका और मैं आज ही व्लॉग एक ने अपलोड किया है तो ये कल ही अपलोड हो गया, कल या परसों ऑपरेशन हो चुका होगा। आवाज़ यहाँ पे रुक गई है पता नहीं। बाद में अपडेट करेंगे आपको, बाय। ओके गाइस, तो हम लोग बैठे बैठे बोर हो गए, हम लोग को भूख भी लग रही थी, भाभी को भी भूख लग रही थी, उनके एकदम से डाउन सी हो गई वो, क्योंकि सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो इसलिए एकदम से मेरा बीपी लो हुआ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है हमेशा कुछ ना कुछ खाने की। तो हम लोग उसी कैंटीन में जा रहे हैं जिस कैंटीन में मैं कल गई थी, वो है ये रही, और चाय पीते हैं। चाय भी नहीं पी, मैंने भी नहीं पी भी सुबह से। कैंटीन जाना है। ये रही कैंटीन। हम उसी कैंटीन में आ गए हैं जिस कैंटीन में मैं कल आई थी, लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है, सो कुछ खाएंगे। ओके गाइस, हम लोग ने अपना खाना अपनी ट्रीट ले ली है, मैं चाय पीऊँगी, मैं चाय पीऊँगी, भाभी एज यूजुअल जूस पियेंगी। या लास्ट टाइम अभी जब कुछ दिनों पहले आके मैं ब्लॉग कर रही थी तब तो उन्होंने कोई ड्रामे नहीं किए थे कि आप ब्लॉग नहीं कर सकती हैं, आज ये लोग ड्रामे कर रहे हैं कि ब्लॉग नहीं कर सकती हैं। तो अभी मैं फ़ोन से एक क्लिप बना रही हूँ, फिर बाद में उसको मैं ऐड कर दूँगी उसमें। ब्लॉग नहीं कर सकती हैं, फिर यहाँ पे लोग पकड़ लेंगे, आपका फ़ोन चेक कर लेंगे, वीडियोज डिलीट कर देंगे। मेरे को फ़ोन तो मैं नहीं देने वाली, बट है हमें अपनी चीज़ें मिल गई, हम फिर भी ब्लॉग कर रहे हैं, धीर इंसान है हम। अच्छा गाइस, हम लोग खाने पीने तो आ गए, बट मुझे एक चीज़ आप लोग को अपडेट देनी थी, ये कि मैं आप लोग को बता रही थी कल अम्मी का जो कोरोना टेस्ट होना था, रिज़ल्ट उसका नेगेटिव आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी अम्मी का आज ऑपरेशन ऊपर हो रहा है, वो चली गई हैं, हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, उन्होंने खाना खाया है। बाय। बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता, बैंगन का भरता 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 जो भी वो बना था वो मम्मी ने खाया था, तो मॉम को पसंद दिया। हाँ, हमने मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने चाय भी नहीं पी हुई थी। मैंने कोई ऐसी ऐसी जगह पे ब्लॉगिंग की है, ऐसी ऐसी जगहों पे, मतलब चुप चुप के जहाँ पे अलाउड नहीं होता, लेकिन आज जो मुझे आज जो मुझे डर लग रहा है, मुझे जो भी स्टाफ मेंबर आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरी तरफ भी आ रहा है, मेरी तरफ भी आ रहा है। नो वीडियो। मम्मी और मेहरान को गए अब 2 घंटे हो चुके हैं गाइस, और हम लोग इधर बैठे हुए, बड़ी प्यारी सी जगह है, अच्छा सा लग रहा है, आसमान तले, पेड़ के नीचे, मच्छरों के साथ, बट अच्छा लग रहा है। हम मेहरान को कॉल करने की भी कोशिश करें, बट उसका नंबर भी ऑफ है, पता नहीं, अब बस का वेट कर। आई फील लाइक हमें उधर ही वापस जाना चाहिए जो हम लोग थे, ताकि मेहरान आए तो हमें पता चले। उधर एक्चुअली बैठने की कोई जगह नहीं है, तो हाँ इसलिए हम लोग इधर आ गए कि मेहरान को भी कॉल कर लेगा। तो हम लोग अम्मी को कॉल करने लगे हैं, वैसे मिल तो नहीं पाए, कॉल ट्राई करते हैं कि आप पता वो उठा लें। दिखता हुआ जा रहा था यहाँ पे, जो भी देखता हुआ जा रहा है। भाभी को डर लग रहा है, भाभी मुझे भी डर लग रही है। गाइस मम्मी को कॉल करने लगे हैं, बात तो हो नहीं पाई, बट कॉल करके देखते हैं। अम्मी किससे मशरूफ हैं आप? ताले भाभी का कॉल आया है कि अम्मी, जब मैं कॉल करी शायद अम्मी तब ताले भाभी को कॉल करी थी कि उनको मेरा नंबर नहीं लग रहा था, तो उन्हें कह रही थी कि मुझे कॉल करें, समझे नहीं समझे। तो अभी मुझे अम्मी को कॉल करनी है, ताले भाभी का कॉल आया है, लेट्स सी अब वो उठाती हैं कि नहीं। जा रही कॉल, वो उठा, कॉल के लिए क्यों बोला? हेलो अम्मी, मैं सॉन्ग कॉल करा पी तो सारा नंबर बिजी है। अच्छा ठीक है,
अच्छा ठीक है। अच्छा कैंटीन वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। सो गाइस अभी मैं ये हाथ में समोसे की प्लेट जी अम्मी अच्छा मुझे पास मिल गया, अब मुझे ढूंढना है रूम नंबर। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। ओके तो मुझे मिल गया है कि किधर है मेरा अम्मी का रूम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तैयार व्यार हो गई आप? हाँ जी। चेंज वेंज भी कर दिया आपने? हाँ वो चेक वेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे? चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, दिन दवा हिस्ट्री ली। क्या हिस्ट्री ली? बीमारी थी कि कौन सी मेडिसिन खाती है, एलर्जी किस पे। कम्फर्टेबल है? हाँ। कौन रहेगा आज आपके साथ? कोई नहीं। क्या मैं शादी कर लूँ? आज आप अकेले कैसे रुकेंगी? कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं रुक नहीं सकती। सीट पे कुर्सी लगाना, तुम तो सो सकती हो। बने टू गला कभी लेडी है भी और उनका और माई है, आंटी चाची लोग सो जाओ सी। तो शाम को रात तक वॉशरूम लगा सा किंग करे सो वॉशरूम लगा सा पास से सो कर सकते हो ना आज रात? बोर कौन थी सो आप नेट यूज करेंगी, बोर नहीं होंगी ना? वजू बस करना, मुझे वजू की परेशानी हुई, कैसे करूँ? ये मैं ले जाऊँ? हाँ अबू को दे देना, अबू रखेगा। ओके अम्मी अच्छा ठीक है की अमान अम्मी। तो मैं अम्मी से मिल ली, अब मैं जा रही हूँ वापस नीचे। अभी पास दूंगी मैं भाभी को ताकि अब भाभी ऊपर जाए अम्मी से मिलने। आई वॉन्टेड टू स्टे विद अम्मी बट अलाउड नहीं था सो आई कुडंट। मैं गई हूँ वापस मेहान के पास, अब गई हैं भाभी ऊपर। अल्लाह खैरियत से सर्जरी करे, इतनी मेजर तो नहीं है पर फिर भी सर्जरी है। तो अल्लाह खैर और आफियत से अम्मी की सर्जरी करे और इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे अब अम्मी से, है ना मेरा? यस। की वजह से आई नर्वस। अम्मी कितनी पॉजिटिव है ना, हम लोग भी पॉजिटिव रहना। तो वेट कर रहे हैं, वो गाड़ी लेके आए तो अब हम घर जाएं। मैं आगे जाती रही, आप लोग पीछे ही खड़े, मुझे बताया भी नहीं। इतनी आसानी से मैं जान नहीं छोड़ती। बुराइयां नहीं खत्म होती हैं तो मुझे पता है। ड्राइवर आ रहा है, मुझे लगा कि बारात आ रही है। ओके गाइस हम वापस आ गए हैं कैमरे पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी तो मैं उस स्ट्रिक्टनेस को अवॉइड करने की वजह से तो उस चीज़ को अवॉइड करने की वजह से मैं फ़ोन पे आ गई थी, बट हम कैमरे पे वापस आ गए। सो अम्मी को हमने कर दिया है ड्रॉप, सब कुछ मैं ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं अम्मी को वीडियो कॉल पे रखूँगी, मैं अम्मी को कॉल करके अम्मी से टच में रहूँगी, पर फिलहाल अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और या दैट इज इट यू गाइस। क्या बोल रहे हो मेहरान तुम कब से? मेहरान अब नहीं बोलेगा, बीपी से बोला जा रहा था जब मैं व्लॉग कर रही थी। मेहरान मेहरान कैमरा शाय गाइस आप मैंने जैसे ही उधर कैमरा किया मेहरान ने फिर बोला गाइस हम लोग उधर देख रहे हैं, अब ये है कराची और कराची का ब्ला 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 कच्चा कराची कराची का ब्ला 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 और मैं हूँ कराची की क्वीन। तो मैं घर जाते ही अम्मी को वीडियो कॉल किया था जस्ट टू टेक अपडेट्स कि वो क्या कर रही हैं उस वक्त। सो व्हेन आई कॉल्ड हर शी वाज हैविंग हर डिनर एंड मैं उनसे पूछ रही थी कि खाने में आप क्या खा रही हैं, कैसा है, एंड वो कह रही थी बहुत फीका सा है, बुरा सा है। ऑब्वियसली जो मरीजों के लिए खाना होता है वैसा अम्मी को दिया गया था, अम्मी उसके लिए ऑब्वियसली आदी नहीं है। बस ऐसी अम्मी से दो तीन चार बातें की एंड देन फिर मैंने मम्मा को बाय कर दिया।
ओके गाइस, सो आई एम बैक. अम्मी को बिठा के सब कुछ सेट करके तसल्ली करके वी आर बैक. अम्मी का बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एज यू गाइस ऑल नो. अम्मी ऐसा नहीं कि वॉक वगैरह नहीं कर पाएंगी. अम्मी बिल्कुल वॉक कर सकती हैं, अभी भी कर सकती हैं, बट द थिंग इज वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती. उनको फिर घुटनों में दर्द हो जाता है. बेसिकली घुटनों में जो फ्लूट होता है, जो मुझे बताया गया है, वो ख़त्म हो गया अम्मी का. हम लोग का फ्लूट है तो हम लोग को आराम से हम लोग चल सकते हैं. हम लोग को विदाउट एनी पेन हम लोग चलते हैं. अम्मी का फ्लूट ख़त्म हो गया था तो उसकी वजह से जो घुटने होते हैं वो दूसरों से टकराते हैं, तो जिसकी वजह से अम्मी को पेन होता है एंड स्वेल हो जाते हैं एक पॉइंट तक. फिर अम्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं. Mummy is really excited for the surgery because only she knows कि वो इतने साल has been you know bearing this pain, so she is really excited and only because of her we are calm, we are positive. Basically ऐसा होता है कि हम patient को calm रखना पड़ता है, but यहाँ पे उल्टा scene था. अम्मी की वजह से हम calm थे. As you guys saw in the vlog के कैसे वो बिल्कुल तैयार सी हैं, चश्मा पहन के फुल मज़े से cute सी बन के जा रही थी. Throughout the day today I was really I'm still actually positive. बस एक पॉइंट आया था जब हम लोग जा रहे थे एडमिट करके अम्मी को रूम की तरफ उनको लेके जा रहे थे, तो उसी वक्त किसी ने हमें रोक दिया और उन्होंने कहा कि एक ही टाइम पे एक ही अटेंडेंट जा सकता है. सो वी वर थ्री इन टोटल, तो मेहरान गया था. सो वो एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि यू नो अम्मी और मैं अलग हो गए. मैं प्रॉपर बाय बाय नहीं कर पाई, उनको लापस नहीं कर पाई, उनको हक नहीं कर पाई. टाइम मैं थोड़ी सी यू नो डाउन हो गई थी एंड आई इवन क्राइड. तो मुझे तो वैसे भी रोना बहुत जल्दी आ जाता है. जो चीज़ मुझे हर्ट करती है मुझे फ़ौरन रोना आ जाता है. क्लिप नहीं है क्योंकि वो भाभी के ब्लॉग में क्लिप है. इफ़ यू गाइस वांट टू सी मी क्राइंग आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. बट या उस टाइम मैं थोड़ी सी हो गई थी, बट विद इन फ्यू मिनट्स मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी. बिकॉज हमें पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है. अम्मी को दो वो हमें भेज रही हैं, बट हमें भी उन्हें भेजनी है ताकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाए. इंशाल्लाह ताला अम्मी की सर्जरी जल्दी से हो जाएगी. फिर वो दौड़ती रहेंगी, विलदान के पीछे भागेंगी, मेरे पीछे भागेंगी. जब उनको गुस्सा आता है तो वो मुझे उधर से आवाज़ लगा रही होती हैं, बट नाउ वो मेरे पास आ सकती हैं. सो आई हैव टू बी केयरफुल नाउ. रिजल्ट जो कोरोना के दैट वॉज नेगेटिव, ऑब्वियसली दैट इज़ द रीज़न कि कल सर्जरी हो रही है. बट अगर पॉजिटिव आता तो उनकी सर्जरी एक्सटेंड हो जाती. बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका नेगेटिव आया. तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नेगेटिव आया एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्जरी है टुमारो. सो मच यू गाइज, जिन्होंने मुझे DM किया ये कहते हुए कि यूशा प्लीज़ फिकर नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट. और जिन्होंने भी अम्मी के लिए दुआएं भेजी कि अम्मी इंशाल्लाह जल्द से रिकवर होकर आ जाए, थैंक यू सो मच गाइज, दैट मीन्स अ लॉट. एंड इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा एंड नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी ऑल्सो पॉजिटिव. दिस व्लॉग इज ऑल्सो पॉजिटिव, कोई भी दुख उक नहीं है. अम्मी इज़ रियली एक्साइटेड. उनकी एक्साइटमेंट की वजह से, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से वी आर एक्साइटेड टू यू नो सी हर रनिंग एंड ऑल. Okay. So remember her in your prayers, you guys, and I'm gonna see you guys soon, inshallah, in my next vlog. That is going to be her surgery vlog. And yeah, आपको good news दूंगी मैं inshallah. मैं अभी से आप लोगों को दे रही हूँ, inshallah आपको good news दी जाएगी. So yeah, I'm gonna see you guys soon, inshallah, in my next vlog. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, remember in your prayers, and yeah, Allah Hafiz, Fiya Manila, you guys. बंद कर, मतलब क्या, मतलब बस तुम बोलती ही जा रही हो, बोलती ही जा रही हो. कभी रेडियो पाकिस्तान जाने के लिए सोचा है? मैं इतना नहीं बोलती गाइस. क्या मैं इतना बोलती हूँ? कभी इसकी रिहर्सल्स देखना, पता चलेगा. वो एक रट गया है ना मुझे, तो निकलता जाता है वो. मुझे बातों से बातें याद आ जाती है. तो रेडियो पाकिस्तान अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे स्पॉन्सर करते हैं. मुझे एक आज अपने एपिसोड में स्पॉन्सर करते हैं एंड आई वुड नॉट लेट यू गाइस डाउन. ओके गाइस, बाय नाउ.